रोहतक जलभराव का जायजा लेने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सरकार के खिलाफ सातवें आसमान पर नजर आया लोगों का गुस्सा। जलभराव से बहुत परेशान दिखे लोग। हुड्डा ने सड़कों, गलियों और घरों में जाकर देखे हालात। प्रशासन की लापरवाही की वजह से बने ऐसे हालात। लोगों को हुए नुकसान का दिया जाए मुआवजा। अमृत योजना में सैकड़ों करोड़ रुपए का हुआ घोटाला, उसका नतीजा आज सबके सामने। 1995 की बाढ़ जैसे हालात, जल्द हो पानी की निकासी। युद्ध स्तर पर राहत कार्य करे सरकार। लोग परेशान, उनका सामान फर्नीचर छतों पर रखा है, वो खाना तक नहीं बना सकते, लेकिन सरकार और प्रशासन सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो हरियाणा में सरकार है ही नहीं। सर, एक दिन की बरसात में जिस तरह के हालात रोहतक में बने, आज आप खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे, क्या देखा है और क्या लग रहा है? देखिए, ये जो हालात बने हैं, बारिश आई है, पानी पड़ा है, लेकिन जो आज हालात जो हैं, प्रशासन की लापरवाही से और जो जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए लोगों को, ऐसी मदद नहीं मिल रही। अब लोग सब सामान खराब हो गया है, इन्हें पर शिफ्ट देना चाहिए और वार फुटिंग पे इनकी मदद करनी चाहिए, आना चाहिए बाहर। अब एक लगा रखा है, इतना पानी भरा है, यहाँ तो कम से कम 10 पंप लगने चाहिए थे ताकि जल्दी से जल्दी गली हो। और ये बूस्टर जो कि बूस्टर वाला चला ही नहीं रहा, फिर उस वजह से कि मेरे 55 लाख रुपए पेमेंट नहीं मिले। इतनी भ्रष्ट सरकार, सिर्फ भ्रष्टाचार। अमृत योजना में सैकड़ों करोड़ आए जी, अगर वो सही प्रयोग होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हरियाणा के लोगों को। जो इस प्रकार से हमने बार बार में कहा, बत्रा जी ने असेंबली में उठाया, जो अमृत योजना का जो घोटाला हुआ है, फरीदाबाद में हुआ, हर शहर में हुआ, जो रोहतक में हुआ, तो उसकी जांच करी जाए, जांच करवाई जाए, दोषी को जो है वो तुरंत किया जाए। और ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे समय में बारिश से पहले हम सारे प्रशासन की मीटिंग करते थे, हर समय देखते थे सारा सीवरेज साफ है, सब बूस्टर काम कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, तो वो देखते, अब कोई देख ही नहीं रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है। तो ऐसी सरकार जो है बिल्कुल गैर जिम्मेवार सरकार बन गई है। सरकार हरियाणा में इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, तो ये जो है तुरंत इनको राहत देनी चाहिए लोगों को, जो भी हो वार फुटिंग पे जो है इनकी सहायता करनी चाहिए। ये तुरंत पानी निकालना चाहिए। 1995 में आई थी, उस टाइम में सांसद था और मैंने देखा तो वहाँ प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री देख के गए थे, सारा भरपूर मदद कराई थी लोगों की, कंपनसेशन दिलवाया था हमने, पॉलिसी बनाई थी। आज कहाँ है? आज तुरंत पहले तो पानी निकालने का इंतजाम करें ताकि लोग राहत का सांस ले सकें। अब खाना भी नहीं बना सकते लोगों, फर्नीचर कोई छत में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, हमारी बहन बेटियां इतनी परेशान हो रही हैं और प्रशासन सो रहे हैं। सर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।